गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं वैक्सीन लेने। कल तो जा नहीं पाए, कल टाइम नहीं मिला और वैसे ही वैक्सीन का वो नहीं हुआ था रजिस्ट्रेशन। तो आज जा रहे हैं शिव सागर, 12 किलोमीटर दूर। हम और अनीस भी हैं तो चलते हैं। फिर I can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who. इस जगह कॉलेज यहीं पे दिलाया, देखते हैं कहाँ पे है। एक बार आए भी थे, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में। चुके हैं जहाँ पे वैक्सीन लेना है। हम लोग अपने जानी पहचान है जो कि ऑनलाइन करते हैं। अभी अनीस पे कवर है, इसके बाद मेरा होगा। गांव के हैं, घर के बाल जब बगल खुल के रहते हैं। हो गया हम दोनों का, अब चलते हैं घर और देखते हैं क्या करना है। फिर घर जाके कुछ असर नहीं हुआ है, दो एक बार ले लिए थे। थोड़ा शुरू शुरू में थोड़ा डर लगता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। तभी मैं आया हूँ अनीस भैया के घर। यहाँ पे दिलीप भैया यहाँ पे सोए हुए हैं, देखते हैं अनीस भैया कहाँ है। उस रूम में मैं भी सोए होंगे, वहाँ पे सोए हुए हैं। तो चलते हैं गाइस। हम दोनों वैक्सीन दिलवाए थे तो हम तो नहीं सोए, लेकिन वो गधे जैसा भी घोड़ा बेच के सो गए हैं। उनको वैक्सीन का बुखार लग गया, बुखार नहीं लगा, थकान सो जाता है ना। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नोटिस कीजिएगा। गाइस दिलीप भैया पे आया है एक KBC की तरफ से मैसेज कि आप 25 लाख का लॉटरी जीत चुके हैं, जो कि फ्रॉड है। तो चलिए आपको पूरा दिखाता हूँ वीडियो में क्या क्या लोग भेजा है। तो आप लोग पे आए तो इसको कभी भी वो मत कीजिएगा, ब्लॉक कर दीजिएगा, और हो सके तो थोड़ा भजन उजन सुना सकते हैं आपका मन। नमस्कार सर, सर मैं KBC से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज़, जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को KBC से कांग्रेचुलेशन, वादाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL और जियो कंपनी, 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सअप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर मैंने आपकी व्हाट्सअप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है, डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है, सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सअप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सअप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है, आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है, बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू सर। मैसेज है, आप लोग को दिखा देता हूँ, ये वाला है मैसेज। एक और चल भाई,
नमस्कार जी, विजय कुमार बात कर रहा हूँ, केबीसी की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो वीडियो क्लिप आपको भेजा है, आपके व्हाट्सएप नंबर पे लॉटरी लगा 25 लाख का, 25 लाख का लॉटरी है। केबीसी की तरफ से बधाई आपको। लॉटरी का पूरा डिटेल और पूरा जानकारी एमडी राजकुमार बताएंगे। जो वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, एमडी राजकुमार का व्हाट्सएप नंबर है, उनका भी व्हाट्सएप कॉल लगाइए और लॉटरी का जानकारी लीजिए। नॉर्मल कॉल करेंगे, नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप कॉल लगाइए, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा तो आप लोग इस फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए। इस फ्रॉड के चक्कर में आपका जो भी बैंक बैलेंस है 10-15 हज़ार, मैं जानता हूँ इतना नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा, 2-3 लाख रुपये हो सकता है। और 25 लाख के चक्कर में सब अपना बैंक बैलेंस डुबा मत दीजिएगा पानी में, नहीं तो बाद में आपको सिर पकड़ के रोना पड़ेगा, ठीक। तो आप लोग जाते हैं बाहर पकौड़ी खाने, वो फेमस प्लेस पे, तो चलते हैं। आई होप आपको कल का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने पंजाबी में ब्लॉग बनाया था। अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपने देखा नहीं देखा होगा तो, नहीं देखा जाके देख लीजिए। Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're